तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में और एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है रांची स्पेशल, क्योंकि मैं आज रांची के पांच ऐसे जगह बताने वाला हूँ जहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं और ढेर सारा इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंड के मौसम में घूमने का बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ये पांच जगह नहीं है आप घूम सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जगह हैं। और ये वीडियो बेस्ट फाइव का भी नहीं है कि ये मतलब बेस्ट फाइव जगह हैं घूमने के लिए, ये बस है कि पांच जगह हैं यहाँ आप घूम सकते हैं। इसका और भी पार्ट आएगा, तो फिर आप इंतज़ार करिए। और जिन जगहों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको लगे कि इनके अलावा और भी अच्छे जगह हैं इससे घूमने के, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए उस जगह के बारे में, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उसे ऐड कर सकूं। तो दोस्तों, पांचवें नंबर पे आता है ओरमांझी जू। अगर आप रांची में रह रहे हैं तो फिर ओरमांझी जू नहीं गए हैं तो अब बहुत ही एक स्पेशल जगह मिस कर रहे हैं, क्योंकि ओरमांझी जू घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर मतलब दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं। और आप ओरमांझी जू नहीं गए हैं तो एक बहुत ही स्पेशल जगह आप मिस कर रहे हैं। बाकी आप आगे के फोटोज़ देख के आपको पता चल जाएगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है पतरातू डैम और पतरातू वैली। पतरातू डैम और पतरातू वैली के बारे में भी मैं वही कहूँगा जो मैंने ओरमांझी जू के बारे में कहा, कि अगर आप पतरातू वैली और पतरातू डैम नहीं गए हैं तो आप एक बहुत ही स्पेशल जगह मिस कर रहे हैं, क्योंकि पतरातू डैम और पतरातू वैली को मोस्ट विजिटेड प्लेस, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर विज़िट किए हैं पिछले एक साल में, मतलब 2019 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मतलब जो भी घूमने जाते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा पतरातू डैम और पतरातू वैली में ही गए हैं। तो इसे भी आप मिस कर रहे हैं तो यहाँ भी ज़रूर जाएं और बताएं कि आपको कैसा लगा। और ओरमांझी जू और पतरातू डैम और पतरातू वैली का मैं वीडियो बना चुका हूँ, एंड में आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, तो फिर उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए पहले आप पतरातू वैली और पतरातू डैम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका पतरातू डैम। तो दोस्तों, इसके बाद की जो जगह आने वाली है उसके बारे में आप जानते भी हो सकते हैं और वहाँ पे गए भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब अच्छी जगह नहीं है, बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, इसीलिए मैं इसको ऊपर रखा हूँ बाकी को नीचे रखा हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ऊपर वाला ज़्यादा बेस्ट है नीचे वाला कम बेस्ट है, सभी बराबर मतलब सभी अच्छे जगह हैं और सभी घूमने लायक जगह हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है रॉक गार्डन और कांके डैम। रॉक गार्डन भी एक बहुत ही इनक्रेडिबल जगह है रांची की, मतलब यहाँ पे घूमना भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसीलिए यहाँ आप मिस करिए ही मत। बाकी नीचे वाले तो जो मैंने बताया, जैसे कि ओरमांझी जू और पतरातू वैली, तो ये तो मान लीजिए आपसे शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन रॉक गार्डन जो है वो कांके रोड में ही है, तो फिर यहाँ पर जाना मत मिस करिए, यहाँ पे घूम के आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। टिकट सिर्फ 30 रुपये लगता है एंट्री करने का, और अंदर फोटोशूट का भी मतलब बहुत ही अच्छा लोकेशन है, तो इसे मिस मत करिए, यहाँ पे आप ज़रूर घूमने जाइए।
तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर रांची का बहुत ही फेमस जगह है और बीच में एक बार और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया गया था, लेकिन कुछ कारणों के वजह से तिरंगा झंडा को वापस उतार लिया गया, मतलब अच्छे से रख दिया गया, क्योंकि कुछ डैमेज उमेज वगैरह होने लगे थे इसके कारण से। लेकिन एक टाइम में सबसे ऊंचा और बड़ा झंडा यहीं पे लगा हुआ था। तो पहाड़ी मंदिर भी एक बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए, तो पहाड़ी मंदिर को भी मत मिस करिए। यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं और आप ऊपर से नीचे घूम के आ जाते हैं, इसलिए इसे भी मिस मत करिए। तो देखिए पहाड़ी मंदिर। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है फन कैसल। फन कैसल बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन जो नहीं गए हैं रांची में रहते हुए या फिर झारखंड में रहते हुए, वो उनसे मेरा दरख्वास्त है कि प्लीज़ जाएं। फन कैसल बहुत ही अच्छा जगह है। जो गए होंगे वो बोलेंगे कि एक बार जाने के बाद फिर दोबारा जाने का मन नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। आप बार बार जाइए, आपको बार बार मज़ा आएगा। आप एक बार गए हैं, दूसरी बार जाके तो देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो फिर फन कैसल है नंबर 1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, ये तो आपको पता है ही, तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने ही से YouTube चैनल ग्रो करता है, तो फिर हमारे चैनल को भी थोड़ा ग्रो करा दीजिए, हमारी फैमिली को भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।